Good morning, kids. I hope you all must have enjoyed the weekend and the Besaki festival too. So, now let's get back to some work. As today I'm here with a quick overview of the first chapter of grammar that is the sentence. Now, let's understand what is the meaning of a sentence. sentence So, sentence basically refers to a group of words. विच हैज़ अ मीनिंग सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जिसका एक मीनिंग होता है आपको उससे कुछ समझ में आता है इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर ये एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है एक फुल स्टॉप या फिर एक क्वेश्चन मार्क से अगर आप किसी को कुछ जनरली बता रहे हो कुछ समझा रहे हो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो उस सेंटेंस में यू विल यूज़ अ फुल स्टॉप उसके लास्ट में टुवर्ड्स द एंड दे वुड बी अ फुल स्टॉप फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कुछ बताया मैं आपको बताती हूँ अपनी ड्रेस के बारे में है माय ड्रेस इज़ सो प्री मेरी ड्रेस बहुत ही सुंदर है आप बता रहे हो कुछ पूछ नहीं रहे हो जब आप बता रहे हो तो फिर एक फुल स्टॉप यूज़ करेंगे बट इफ़ आई आस्क यू अगर मैं आपसे कुछ पूछूँ व्ट्स योर नेम आपका नेम क्या है सो इन दैट केस You will put a question mark. Moving on, I have some examples to share with you. The first example is Tanvi temple goes daily to. Now, this group of words hai definitely hai, but Koi meaning hai iska. there is no meaning attached to this group of words. So, is this a sentence? No, this is not a sentence. Tanvi temple goes daily to. which meaning is hai? No, because the words have not been arranged in a proper order. But if I take a look at the second sentence, which says, Tanvi goes to temple daily. Tanvi rose temple jati hai. Now, in this proper structure has been followed. Is ek meaning nikal ke raha hai. Words properly arranged hai. Capital letter say start ho raha hai. Full stop say end ho raha hai. So, yes, this is a sentence. The third example is intelligent boy and Dheeraj is. Again, this group of words does not make any sense. So that is why it is not a sentence. But if I talk about the another example, the fourth one, Dhiraj is an intelligent boy. Ki Dhiraj ek intelligent boy hai. This example mein ab sakte hain, words ko properly arranged That is why this is a sentence. And moreover, you can see the first letter of this, this sentence, the first word has the capital letter, right? And it ends with a full stop also. So this is a Sentence. Moving on, let's discuss what is the structure of a sentence. Now, according to your level, आपके level के according, एक sentence का structure कैसा हो सकता है Fine. सब्जेक्ट वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट अब एक सब्जेक्ट होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट डज नॉट रेफर टू वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो इट डज नॉट रेफर टू इंग्लिश पंजाबी और हिंदी इट मीन्स द पर्सन और द थिंग दैट डज थम थिंग कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो कोई काम करते हैं राइट इफ़ आई से राहुल इज हैविंग फूड राहुल खाना खा रहा है ओके सो हु इज़ द सब्जेक्ट हेयर कौन कुछ काम कर रहा है राहुल कर रहा है राहुल इज अ प पर्सन हेयर एंड ही इज़ डूइंग समथिंग वो खाना खा रहा है राइट सो हेयर राहुल इज द सब्जेक्ट ना वॉट इज़ अ वर्ब वर्ब मीन्स इन एक्शन वर्ड एक एक्शन जितने भी आप एक्शन रोज करते हो जम्पिंग ईटिंग राइट सिंगिंग लिसनिंग रीडिंग ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स आप इनमें कुछ एक्शंस कर रहे हो कुछ मूवमेंट हो रही है अन अदर मीनिंग ऑफ अ वर्ब वी स्टेट ऑफ बींग कोई चीज़ किस कंडीशन में है वो कैसी है इफ़ आई से शी इज़ अ डॉक्टर नाउ इन दिस सेंटेंस देर इज़ नो एक्शन कोई एक्शन नहीं हुआ लेकिन आप बता रहे हो कि वो कैसी है वो क्या है ओके okay, आप उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हो आप ऑक्यूपेशन बता सकते हो राइट बट देर इज़ नो एक्शन इन्वॉल्व इन दैट बट स्टिल दर इज़ अ स्टेट ऑफ बींग वो चीज़ कैसी है द थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन एक ऐसी चीज़ है ऐसा पर्सन जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है इफ़ आई से द मंकी इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री जो मंकी है वो पेड़ पे क्लाइंब कर रहा है अब क्लाइंब कर कौन रहा है सब्जेक्ट कौन है कौन एक्शन कर रहा है मंकी किसके ऊपर एक्शन कर रहा है पेड़ के ऊपर एक ट्री पे सो ट्री इज़ द ऑब्जेक्ट एंड वॉट इज़ द वर्ब इन द सेंटेंस द मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री सो इज़ क्लाइंबिंग जो है हमारा वर्ब है विल हैव एन आइडिया थ्रू दीज एग्जाम्पल्स द फर्स्ट इज अतुल इज ईटिंग एन आइसक्रीम ओके सो इन दिस सेंटेंस किसके बारे में बात की जा रही है अतुल के बारे में सो so, अतुल इज द सब्जेक्ट और वो क्या कर रहा है वॉट इज द वर्ब इज ईटिंग वो खा रहा है और वो क्या खा रहा है एंड आइसक्रीम सो एक्शन किसने किया अतुल ने अतुल इज द सब्जेक्ट एक्शन किसके ऊपर हुआ आइसक्रीम के ऊपर सो आइसक्रीम इज द ऑब्जेक्ट है कपिल रीड्स इंग्लिश नॉवल्स हु इज द डूअर कर कौन रहा है कपिल क्या कर रहा है दैट इज़ दर्ब वो पढ़ता है राइट right? और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इंग्लिश नॉवल्स कपिल क्या पढ़ता है एक्शन किसके ऊपर होता है इंग्लिश नॉवल्स के ऊपर सो आई होप द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज क्लियर टू यू एंड आई बिलीव दैट एफ अंडरस्ट टू डेज लेसन नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व अ स्मॉल वर्कशीट विच एफ शेयर टूडे एंड आई एम श्योर यू विल भी एबल टू क्रैक ऑल द आंसर्स And you may check the same with the help of the answer key, which I'll be sharing tomorrow. Till then, stay safe. God bless you all. Thank you.